सनातन धर्म के बाद विपक्षी गठबंधन में न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का मामला गर्मा गया। गठबंधन के कई दल इस मामले में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ हो गए। यही वजह है कि बहिष्कार का ऐलान करने वाले पवन खेड़ा अब इसे असहयोग आंदोलन कहने लगे हैं। लेकिन मामला काफी बिगड़ गया है। नीतीश कुमार ने तो इस मामले में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वे पत्रकारों के समर्थन में हैं और सभी के अपने अधिकार हैं। उनकी ये टिप्पणी विपक्षी गुट द्वारा 14 टेलीविजन समाचार एंकर्स के बहिष्कार की घोषणा के दो ही दिन बाद आई है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 26 पार्टी वाली गठबंधन का हिस्सा है। पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें गठबंधन द्वारा न्यूज एंकर्स के बहिष्कार की कोई जानकारी नहीं है। विपक्षी गठबंधन ने इसके पहले 14 न्यूज एंकर्स की एक सूची जारी की, जिनके शो का गठबंधन के मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। सूची जारी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आप हमारे नेताओं के खिलाफ सुर्खियां बनाते हैं, मीम बनाते हैं, उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप समाज में नफरत फैलाते हैं जो हिंसा का कोई भी रूप हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन ने इस कदम पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम हो रही है। एसोसिएशन ने कहा कि प्रबंध लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है और असहिष्णुता का संकेत है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले की तुलना आपातकाल से की। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोंट दिया गया था और ये घमंडिया गठबंधन दल उसी अराजक और आपातकालीन मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया को इस तरह की खुली धमकी आवाज दबाने की है। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पत्रकारों के समर्थन में हूं। जब सभी को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी तो पत्रकार वही लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। क्या वे नियंत्रित हैं? क्या मैंने कभी ऐसा किया? उनके पास अधिकार हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।